नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल या स्टॉक्स में दिल से। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज 10 रुपये का टारगेट पक्का होगा स्टॉक का। अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे में ट्रेड कर रहा है और मेरी खुद की बाइंग स्टॉक में अब 5 रुपये 20 पैसे है। तो मतलब आप बोल सकते हो 18 से 20% डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, मेरे खुद के प्राइस के नीचे स्टॉक मिल रहा है। तो चाहो तो स्टॉक को स्टडी पर्पज से सिर्फ ऐड कर सकते हो। BSE का पेनी स्टॉक है और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टॉक अच्छा लगता है बिकॉज स्टॉक की बुक वैल्यू 10 रुपये है। और दूसरे रीजन से भी रीजन भी थे, जैसे कि एक ये तो ये था, एक और सबसे बड़ा रीजन था वह का शेयर पैटर्न। तो स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हो 17% है। आई नो लगातार प्रमोटर्स की होल्डिंग गिर रही है, लेकिन जब मैं अंदर क्लिक करता हूँ किसमें पब्लिक के अंदर, तो मुझे थोड़ा बहुत दिखता है कि स्टॉक में एक अच्छी खासी होल्डिंग है रिटेल इंडिविजुअल की। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ इन सबको जब मैं एड ऑन करता हूँ तो मोटा मोटी स्टॉक पे 30-35% के आसपास बड़ा पैसा लगा हुआ है रिटेल इंडिविजुअल के साथ साथ बड़ा प्रमोटर्स की होल्डिंग भी है। तो मुझे तो स्टॉक पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। स्टॉक का पहला नाम साइबर मेट इन्फोटेक था, जो बदल कर ऑयशेप लिमिटेड हो चुका है। अब मैं इसको प्रोनाउंस आई थिंक गलत कर रहा हूँ, ठीक है, तो स्पेलिंग आप देख लो और इसी के नाम से आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो स्टॉक का बिजनेस है आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक है, IT सॉफ्टवेयर कंपनी है ये, राइट, मतलब IT से रिलेटेड इसका बिजनेस है और साथ में कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में। तो ये भी 3-4 रीजन है जिस वजह से स्टॉक मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था और इसी वजह से मैंने स्टॉक को खुद 5 रुपये के ऊपर बाय किया था। ये स्टॉक अब हमारे बाइंग प्राइस से बहुत नीचे आ चुका है, आप खुद देख सकते हो एक अच्छा खासा यहाँ पर डिसेंट रेंज बना रहा है। तो चाहो तो स्टॉक को आप यहीं बाय कर सकते हो इस रेंज में, इसी बॉक्स में, और आप चाहो तो बिलो 2 रुपये 50 पैसे का स्टॉक को लगा सकते हो। अब ध्यान सुनो, 4 रुपये 60 में स्टॉक को बाय करोगे, 4 रुपये 3 रुपये तक स्टॉक को आप एवरेज करोगे, ठीक है। ये दो प्राइस मैंने आपको बताती है जहाँ जहाँ पर आपको स्टॉक को एवरेज करना है और 2.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर आप मोटा मोटी मान के चलो 3.5 रुपये या 3.80 रुपये की आपकी एवरेजिंग बैठेगी, तो 2.5 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, तो मोटा मोटी आपको 1.5 रुपये के आसपास का लॉस होगा। अगर 1000 क्वांटिटी प्ले करोगे तो 1500 का लॉस है। तो इस तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट समझ लो। अब बात करें टारगेट की, तो देखो 10 रुपये का टारगेट जाना निश्चित है, मतलब पैसा यहाँ से 3x तो हो सकता है। लेकिन अगर स्टॉक ने अपना 10 रुपये के ऊपर बहुत से टाइम बिता लिया तो स्टॉक अपना जो ऑल टाइम हाई आपको दिख रहा है, ये जो एरिया हाई है 17 रुपये, इसको भी रिटेस्ट करते हुए आपको दिखेगा अगर इसने 10 रुपये के ऊपर टाइम बिता लिया। अगर टाइम नहीं बिताता है तो स्टॉक वहां से घूम के वापिस नीचे आ जाएगा। तो नजरों में रखो इस स्टॉक को, BSE का छोटा सा पैनी स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है डेफिनेटली आपको नजरों में रखना चाहिए। बाकी अगर बात करते हैं वॉल्यूम की, तो आप लोग खुद देख सकते हो, ना तो ये ASM कैटेगरी का ना GSM कैटेगरी का है। बाकी वॉल्यूम रिसेंट वॉल्यूम स्टॉक में आ जाता है, 1,58,000 शेयर यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं। 95% की डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है, तो काफ़ी बढ़िया डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है बाय रिटेल। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले